हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शान भाटी और आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ आपके साथ इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट के बारे में। लास्ट क्लास में हमने एक कॉन्सेप्ट करा था जो कि रिलेटेड था कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग से, तो बट उसके नोट्स नहीं लिखे थे हमने, तो इस क्लास के बिगनिंग में सर ने नोट्स लिखवा दिए। उस एग्जाम्पल के जरिए हमने सारी चीज़ें समझ ली थी अच्छे से काफ़ी, तो ये नोट्स अगर आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो केस क्या था, वो डी रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी से रिलेटेड केस था। डी रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट पढ़ा और एक बात है डी रिकग्निशन ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी, इसमें एक स्पेशल केस आता है जो कि कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, जिसका एग्जाम्पल हम लास्ट क्लास में कर चुके। तो अब आते हैं हम आज की क्लास पे जो कि रिलेटेड है इंपेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट से। बट आज की क्लास का सारा जो बेस है ना, वो हमारी पुरानी क्लास में छुपा हुआ है। देख सकते हैं कि इंपेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट है, तो अगर आपको फाइनेंशियल एसेट से रिलेटेड जो बिगनिंग की क्लासेस थी वो याद होगी ना, तो आज की क्लास आपको काफी अच्छे से समझ आ जाएगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। तो जब हमने एफए पढ़ना स्टार्ट करा था तो एक चार्ट देखा था, तो इस चार्ट में क्या था, कैश एंड बैंक को तो एसीएम पे दिखाना है, डेरिवेटिव हो तो एफबी टीपीएल पे दिखाना है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स हो तो आप एफबी टीपीएल और एफबी टीओसीआई दोनों पे दिखा सकते हो, इन रिसीवेबल्स हो तो आप क्या कहते थे एसीएम पर दिखा सकते हो एफबी टीओसीआई और एफबी टीपीएल। इसमें क्या था, कंडीशंस थी ए1 और बी सेटिस्फाई हो जाए, ए2 और बी सेटिस्फाई हो जाए, और अदर केसेस में आप एफबी टीपीएल लगाते थे। आई होप आपको ये सारी कंडीशंस याद होंगी, ए1 ए2 ए3 जो हमने कंडीशन देखी थी। ए1 में क्या था कि आप इसको रियलाइज थे, A2 में क्या था आप रिलाइज भी करा सकते हो, आप बेच भी सकते हो, और A3 में क्या था कि आपने इसको बेचने के लिए रखा हुआ है। और जो बी कंडीशन थी हमारी, इसका नाम था CCFT टेस्ट, उसमें हम देखते थे कि हमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पूरा मिलना चाहिए, कोई इसमें राइट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे करके हमने इन तीनों की कंडीशन देखी थी कि ACM पर कब दिखाना है A1 और B सेटिस्फाई हो जाए, FVTOCI पर कब दिखाना है जब A2 और B सेटिस्फाई हो जाए, और FVTPL पे अदर केसेस में दिखाना है। तो ये सब चीज़ें तो हमें याद है। इसके बाद हमने इन्हीं तीन चीज़ों की अकाउंटिंग सीखी थी एक एग्जाम्पल के जरिए, और वो एग्जाम्पल था क्या, ये एग्जाम्पल था वो जिसमें हमने ACM को भी लगाया था, FVTOCI को भी लगाया था। दो FVTOCI केस में दो केस लिए थे कि हमने अगर सेकेंड ईयर में बेच दिया या नहीं बेचा, और FVTPL की भी अकाउंटिंग करी थी, इसमें भी हमने दो केस लिए थे कि इसको बेच दिया या नहीं बेचा। आई होप आपको ये वाला एग्जांपल याद होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। सबसे पहले हमने क्या करा था, इसमें ACM अप्लाई करा था। तो जब हमने ACM अप्लाई करा था, अब कंडीशंस की बात नहीं करेंगे कि A1 और B पास हो रहा है, बट ACM की अकाउंटिंग क्या करी थी हमने, सबसे पहले अफेक्टिव इंटरेस्ट निकाला था कि भाई ये आपके आउटफ्लोज है, इतने इतने पैसे गए और इतने इतने पैसे आएंगे, तो इस हिसाब से IRR आ जाता है आपका। उसके बाद हमने अमोर्टाइज शेड्यूल बनाया था अपना फाइनेंशियल इनकम देखने के लिए, और मेन बात आती है लेजर की। इस लेजर में हमने क्या सीखा था, तो इस लेजर में सबसे बड़ी बात थी कि हमने 6% बॉन्ड अकाउंट को FA@ACM पर दिखा रहे हैं। तो जब हम ACM पर दिखाते हैं तो याद है आपको सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या थी कि जो हमारा बैलेंस शीट आता था वो फेयर वैल्यू पे नहीं आता था, वो बुक वैल्यू पे आता था। बाकी तो चीज़ें नॉर्मल जैसी हैं वैसी रहेंगी कि आप यहाँ पर 2 बैंक करके 10 लाख दिखाते हो, और सेक्शन कॉस्ट पे करिए उसको भी आप पे कर देते हो, यहाँ पर फिर फाइनेंशियल इनकम ऊपर से अमोर्टाइज शेड्यूल से दिखा देते। बट और यहाँ पर आपको कैश फ्लो भी रिलाइज हो जाते थे। क्या क्या था, एक तो आपने अमाउंट तो पे करा ही, एक तो 10 लाख रुपये था बॉन्ड खरीदने का, ऊपर से ट्रांजेक्शन कॉस्ट थी उसको भी यहीं पर आप कैपिटलाइज कर देते, तो इन दोनों को आप कैपिटलाइज कर देते और फाइनेंशियल इनकम बुक करते थे। जो IRR आपका इंटरेस्ट रेट निकाला उसके हिसाब से आप फाइनेंशियल इनकम बुक करते थे, और यहाँ पर आपको कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो मिल जाता था। और लास्ट में आप फेयर वैल्यू पर नहीं दिखाते थे इसको, बुक वैल्यू पर दिखाते थे क्योंकि ये ACM मेथड है, तो इस पर आप बुक वैल्यू पर दिखाते थे इसे। ये तो बात थी आपकी FA@ACM पर कैसी अकाउंटिंग होती है। दूसरा केस हमने देखा था कि FA@OCI पर कैसी अकाउंटिंग होती है। तो पहले दो स्टेप तो सेम ही रहते थे कि कैलकुलेट करना होता था आपको अफेक्टिव इंटरेस्ट, और दूसरा अमोर्टाइज शेड्यूल बनाते थे आप, इन दोनों में तो कोई फर्क ही नहीं है। तीसरा जो लेजर आता था ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप क्या करते थे इसमें भी आप 10 लाख पे करते थे, 15,000 पे करते थे, तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट इन दोनों को ही कैपिटलाइज करते थे आप इसमें भी, बट यहां पर फेयर वैल्यू थ्रू OCI था, है ना। तो क्या था इसमें, आप जो बैलेंस शीट लिखते थे उसको फेयर वैल्यू पे लिखते थे, बुक वैल्यू पे नहीं लिखते थे। तो ये था डिफरेंस, ACM पर अलग था, यहाँ पर ट्रीटमेंट अलग रहती है। तो आप इस बैलेंस शीट को जैसे ही फेयर वैल्यू पे दिखाते थे तो आपका प्रॉफिट भी हो सकता था, लॉस भी हो सकता था। अब इसमें होता क्या था कि आपकी अगर बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू जैसे आप कंपेयर करते हैं तो फेयर वैल्यू कम है बुक वैल्यू से, तो आपको जो भी लॉस है आपका वो OCI रिजर्व में दिखाना पड़ता था। बाकी चीज़ें तो नॉर्मल जैसी हैं वैसी रहेंगी, जैसे आपने यहाँ पर फाइनेंशियल इनकम बुक करी है वो जो भी आपने IRR निकाला उस हिसाब से फाइनेंशियल इनकम बुक करी है, आप जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज थे वो आपको मिल ही रहे हैं। बट सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब आप FA@FVTOCI करते थे तो जो बैलेंसिंग फिगर थी वो आपकी OCI रिजर्व में जाती थी। अच्छा, इसको OCI रिजर्व में दिखाने के बाद हमें क्या करना होता था, OCI रिजर्व अकाउंट बनाते थे हम, बॉन्ड अकाउंट से यहाँ पर जो भी चीज़ें ट्रांसफर हो रही होती है तो आप इसको यहाँ पर दिखाते थे। बट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है
देखिए इसमें आप ट्रीटमेंट इसकी P&L में कैसे करते थे, P&L में FVT OCI वाला केस है तो आप इसको OCI रिजर्व में दिखाते थे, आप इसको इन्वेस्टमेंट डेट कैन बी रिसाइकल्ड में दिखाते थे। कैसे दिखाते थे, जैसे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इन डेट एट द रेट FVT OCI जो बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करी है तो आप दिखाते थे पहले साल में हमारा इतना है, दूसरे साल में इतना फायदा हुआ, इस तीसरे साल में इतना फायदा हुआ, पहले साल में इतना लॉस हुआ था जैसे। तो इन तीनों को आपने P&L में नहीं दिखाया था, आपने इन तीनों को OCI में दिखाया था क्योंकि ये FVT OCI वाली है ना, तो अकाउंटिंग इसकी वैसी करते हैं। बट ये कैसी वाली है, इन्वेस्टमेंट डेट कैन बी रिसाइकल्ड, मतलब ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसको आप रिसाइकल कर सकते हो। तो आप अभी तो आप यहां पर दिखा रहे हो OCI में, यहां पर दिखाया, यहां पर दिखाया, यहां पर दिखाया, बट जब आप इसको बेच दोगे तब आप रिसाइकल करोगे, तो ये रिसाइकल होने के बाद P&L में आ जाएगा, करेक्ट है? तो आपको समझ आ रहा है ना मैं किस केस के बारे में बात कर रहा हूँ। हम ये रिसीवेबल के ACM के केस के बारे में बात कर ली हमने, इसकी अकाउंटिंग हम बात कर रहे हैं FVT OCI वाले केस में अकाउंटिंग कैसे होती है। तो ये थी उसकी अकाउंटिंग, आप यहां पर इसको रिसाइकल कर सकते हो। अब मैं आता हूं तीसरे वाले केस पे, जब आप FVTPL पे दिखाते हो इसको, तो FVTPL पे जब आप दिखाते हो तो अकाउंटिंग कैसे होती थी, तो IR नहीं निकालते थे, अमोर्टाइज स्केड्यूल भी नहीं बनाते थे, सीधा आ जाते हैं हम 6% बॉन्ड अकाउंट पे। तो इस पे आप क्या करते थे, आपको जो पेमेंट करी है वो तो यहाँ पर दिखा नहीं है 10 लाख, लेकिन 15,000 आप यहाँ नहीं दिखाते थे, वो अलग से दिखाते थे क्योंकि 15,000 आपको कैपिटलाइज नहीं करने होते जब आप FVTPL पे दिखा रहे हो। बट हमारा मुद्दे की बात ये थी, क्या इसको भी फेयर वैल्यू पे दिखाना होता है? हाँ, इसको भी फेयर वैल्यू पे दिखाना होता है, तो इसको भी हमने फेयर वैल्यू पे दिखाया है, बट ये FVTPL वाला केस है, P&L के थ्रू आपने एडजस्टमेंट करनी है सारी। तो आपका जो भी आपका यहाँ पर गेन बचता था वो आपका P&L में चला जाता था। लाइक अगर आप पिछले वाले उसकी केस की बात करें, यहाँ पर आपने कैसे दिखाया था FVTOCI पर, आपने 2 बैंक दिखाया, फाइनेंशियल इनकम दिखाई, बैंक से आपको रिलाइज, बैंक से तो रिलाइज होना ही है, बैंक से तो पैसा मिलेगा ही आपको टू बाय बैंक करके, बट ये जो फाइनेंशियल इनकम थी आपने इस केस में फाइनेंशियल इनकम दिखा रहे थे, बट यहाँ पर क्या दिखाया, गेन ऑन रीमेजरमेंट, और डायरेक्टली P&L में गेन डाल दिया आपने। याद करो FVTPL पर आप कब दिखाते हो, जब आपने खरीदा ही बेचने के लिए, FVTOCI पर तो तब दिखाओगे ना जब आपके दो चॉइसेस हो कि यार आप बेच भी सकते हो, आप इसको रियलाइज भी कर सकते हो। आप FVTPL पर दिखाते ही क्यों, जब आपको खरीदा ही इसलिए बेचने के लिए, तो आपको अगर ईयर एंड पे इस दिन को अगर आप बेच दोगे तो आपको कितने का फायदा हो सकता है, 83,000 का, तो 83,000 का फायदा डायरेक्टली बुक कर रहे हो गेन ऑन रीमेजरमेंट के नाम से, और ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये जो 3 केस थे आपके रिसीवेबल वाले 3 केस थे, कौन से वाले, ये तीनों केस के बारे में हमने पढ़ लिया, तीनों की अकाउंटिंग कैसे होती है। रिसीवेबल में क्या क्या आता है आपका, जैसे बॉन्ड्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहा हूं मैं। एक तो इसकी अकाउंटिंग देखी थी हमने, बाद में चल के हमने इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स की भी अकाउंटिंग देखी थी, तो इसको आप FVTPL पे भी दिखा सकते हो और FVTOCI पर भी दिखा सकते हो, इसकी भी हमने अकाउंटिंग सीखी थी, तो इसकी भी अकाउंटिंग देखना बहुत जरूरी है। इसकी भी अकाउंटिंग देख लेते हैं, तो किया क्या आपने, इन्वेस्टमेंट करिए इक्विटी शेयर्स में, तो क्या था इसमें, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो इक्विटी शेयर्स में हर बार आपको किस पे दिखाना है, FVTPL पे ही दिखाना है। बट हमने इसमें कंडीशन भी पढ़ी थी, अगर वो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है तो आप इसको FVTOCI पर भी दिखा सकते हो। क्या क्या वो थी वाली कंडीशन, एक तो कंडीशन थी कि ये इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, और साथ साथ क्या बोला था कि हेल्ड फॉर स्ट्रेटेजिक रीजंस होनी चाहिए, एक तो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए और हेल्ड फॉर स्ट्रेटेजिक रीजंस होनी चाहिए। तो अगर ये दोनों चीजें सेटिस्फाई होती है तो आप इसे FVTOCI पर भी दिखा सकते हो, बट ये इररिवोकेबल चॉइस है, आपने एक बार ये वाली ले लिया FVTOCI, तो आप ये नहीं कह सकते बाद में कि FVTPL लेने मुझे। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद हम इसको कहते थे कि FVTOCI पर दिखा देंगे, बट इसमें दो चीजें और थी कि आप इसको रिसाइकल नहीं कर सकते। याद है आपको, अभी अभी हमने देखा सेकंड वाला केस FVTOCI वाला रिसीवेबल में, जहां पर हम कहते थे कि यार इसको आप रिसाइकल कर सकते हो। अभी अभी मैंने आपको P&L के थ्रू दिखाया था आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड इन FVTOCI वाला जो केस था हमारा, बट यहां पर अगर आप FVTOCI लेते हो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स में, आप यहां पर रिसाइकल नहीं कर सकते। मतलब ये जो आप दिखाओगे, इसको दिखाओगे इन्वेस्टमेंट दैट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड में अंडर दैट अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, एंड साथ ही साथ इसके बाद ये सोकी में ही एडजस्ट हो जाएगा। क्या समझ आता है कि ये सोकी में तो एडजस्ट हो जाएगा लेकिन ये P&L में नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर, बट जो FVTOCI वाला केस था वहां तो रिसाइकलिंग होकर जब हम बेचते थे तब इसके P&L में चला जाता था, बट इस केस में जब आप FVTOCI ले रहे हो तो भी इसको रिसाइकल नहीं कर सकते आप। और दूसरी चीज थी कि रिक्लासिफिकेशन इसका अलाउड नहीं है, वो वाली बात हम कर चुके हैं भाई, ये इररिवोकेबल चॉइस है, आपने एक बार ले ली तो इसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। कि अगर आप FVTPL ले रहे हो तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, FVTPL की तो अकाउंटिंग आपने देखी है, सिंपल सी अकाउंटिंग है, उसमें कोई रिसाइकलिंग का चक्कर भी नहीं है। लेकिन अगर आप FVTOCI ले रहे हो तो इसमें पंगा यह है कि आप इसको रिसाइकल नहीं कर सकते। मैं आपको P&L भी दिखा देता हूं, अगर आप इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स में FVTOCI के थ्रू इसको अगर अकाउंटिंग करते हो तो आप कहां पर दिखाओगे इसको, OCI में दिखाओगे आइटम दैट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड 9,000, और ये कभी भी P&L में जा ही नहीं सकता, ये सोकी बनाना पड़ता था हमें इसके लिए, और ये सोकी में ही एडजस्ट होता था। अगर सोकी में भी एडजस्ट होगा तो किसके साथ होगा, रिटेन्ड अर्निंग के साथ एडजस्ट हो जाएगा ये।
वापस आता हूँ अपनी आज की क्लास पर जहाँ से हमने स्टार्ट करी थी, इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट। तो इसके बारे में समझते हैं कि इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट क्या होता है। तो आप मुझे एक बात बताइए कि आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कब बनाते हैं? जब हमें लगता है कि यार डेटर्स जो है वो पैसे देने से मना कर देंगे, इसलिए हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते हैं। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को आप दिखाते कहाँ पर थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते थे। तो ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है ना, आज के दिनों में हम इसको बोलते हैं इम्पेयरमेंट, या फिर यूँ कहूँ लॉस अलाउंस। तो इन दोनों नामों से हम इसको बुलाते हैं। तो इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट कह लो या फिर प्रोविजन फॉर लॉस अलाउंस कह लो, एक ही बात है। बट आजकल क्या होता है ना कि हम एविडेंस बेस्ड प्रोविजन नहीं बनाते। इसका क्या मतलब है कि देयर मस्ट बी सम एविडेंस तभी हम प्रोविजन बनाएं। बट आज की डेट में हम जो बनाते हैं वो प्रोविजन, वो फॉरवर्ड लुकिंग डाटा के हिसाब से प्रोविजन बनाते हैं। फॉरवर्ड लुकिंग डाटा का क्या मतलब होता है कि देयर इज़ नो एविडेंस, बट उस आदमी के यहाँ पर ऐसा लगता है कि कुछ दिक्कत चल रही है। वो हमारी पैसे तो दे ही रहे, जो भी हमारी किस्तें हैं वो तो पे कर ही रहे, बट हमें उसके यहाँ पर कुछ दिक्कत नज़र आ रही है। तो हम उस दिक्कत को ध्यान में रखते हुए प्रोविजन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। हम घटना के घटने का इंतजार नहीं करते, हम फॉरवर्ड लुकिंग डाटा देखते हैं। फॉरवर्ड लुकिंग डाटा में एविडेंस नहीं होता, लेकिन हमें कुछ चीज़ें दिखती हैं, हमें कुछ दिक्कतें दिखती हैं, तो उस हिसाब से हम आज के दिन में प्रोविजन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। आइए अब बात करते हैं हम इस कॉन्सेप्ट के बारे में। तो क्या कहते हैं, एंटिटी शुड मेक प्रोविजन फॉर लॉस अलाउंस ऑन फाइनेंशियल एसेट। लॉस अलाउंस का जो प्रोविजन है वो फाइनेंशियल एसेट पे ही बनता है, पहली बात तो फाइनेंशियल लायबिलिटी पे बनता ही नहीं है, ठीक है जी। अब आपको ये चार्ट दिख रहा है, अभी अभी हमने जो चार्ट देखा सेम एज इट इज़ वही वाला चार्ट है। तो ये जितनी भी हमारी फाइनेंशियल एसेट है, हर एक फाइनेंशियल एसेट पे हम बात करेंगे कि किस पे आपको लॉस अलाउंस बनाना है, प्रोविजन फॉर लॉस अलाउंस, और किस पे नहीं बनाना है। तो पहली चीज़ आती है कैश और बैंक, इस पे लॉस अलाउंस बनाने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इस पे क्या जरूरत है, ये तो ऑलरेडी आपके पास कैश या बैंक पड़ा हुआ है, तो इस पे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। दूसरी जाती है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव के केस में क्या लगता है कि लॉस अलाउंस बनाने की जरूरत है क्या? इसमें भी जरूरत नहीं है यार। डेरिवेटिव के केस में जो आप फेयर वैल्यू पर दिखाते हो इसको, और अगर कोई डिफरेंस होता भी है तो आप उसको डायरेक्टली पीएनएल में ही तो डालते हो। हमारा पर्पस क्या है, जो हम प्रोविजन बना रहे हैं वो पीएनएल में जाना चाहिए ना। आपको अभी बताया था ना कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आप कहाँ दिखाते थे, पीएनएल में ही तो दिखाते थे। तो हमारा पर्पस क्या है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो पीएनएल में आना चाहिए। बट यहाँ पर लॉस अलाउंस के नाम से पीएनएल में नहीं जा रहा, डेरिवेटिव में आप फेयर वैल्यू पर दिखाएंगे तो हो सकता है कि वैल्यू बढ़ी हो या घटी हो, तो उस हिसाब से आप जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, अगर लॉस होता है तो आप इसको पीएनएल में ही तो दिखाएंगे डायरेक्टली, चाहे किसी और से और नाम से दिखा रहे हैं, बट दिखा तो पीएनएल में ही रहे हैं। तो डेरिवेटिव पे भी आपको लॉस अलाउंस बनाने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी चीज आती है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स FVTPL पे भी हो सकता है और FVTOCI पर भी हो सकता है, अभी हमने देखा था। तो अगर ये FVTPL पर है, तो FVTPL पर है तो आपको लॉस अलाउंस बनाने की जरूरत है या नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। ऑलरेडी FVTPL पर दिखा रहे हो इसको, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स आपने करी है, उसको आप FVTPL पर अगर दिखाते हो तो FVTPL वाले केस में क्या होता है, जो भी आपका डिफरेंस होता है वो आप डायरेक्टली P&L में ही तो डालते हो। हमारा लॉस अलाउंस का पर्पस क्या है कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हिट होना चाहिए। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी FVTPL पे फेयर वैल्यू थ्रू P&L, तो फेयर वैल्यू पे आप लेके आओगे, जो भी डिफरेंस होगा, जैसे हमने कहा था ना अभी दिखाया था गेन ऑन रीमेजरमेंट जो था, तो उसको हमने क्या, गेन ऑन रीमेजरमेंट P&L में चला जाएगा। तो किसी और नाम से जा रहा है, बट जा तो रहे ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हमारा मेन पर्पज है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जानी चाहिए ये चीज़। और याद कीजिए FVTPL पे हम दिखाते ही क्यों थे, जब हमने खरीदा ही बेचने के लिए। यहाँ पर हमने कोई इसको FVTOCI वाला केस ही नहीं है जी, तो इसमें कोई झंझट वाली बात तो है नहीं। FVTPL जब भी आता है आपका, तो आपका ऑलरेडी वो P&L को हिट कर ही रहा है, तो आपको यहाँ पर लॉस अलाउंस बनाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट जो आता है आपका, वो आता है FVTOCI। क्या इस केस में हम इसमें लॉस अलाउंस बनाएंगे? इसमें कहता हूँ, इसमें मुझे दो मिनट दो, अभी पहले हम रिसीवेबल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस पे आएंगे। तो रिसीवेबल के हमने तीन केस देखे थे, एक था ACM, एक था FVTOCI और एक था FVTPL वाला। रिसीवेबल को तीनों में दिखा सकते हैं ना, तो जब हम इसको ACM पर दिखाते हैं रिसीवेबल्स को, अभी जैसे बॉन्ड वाला भी केस लिया था, तो आप इसमें लॉस अलाउंस बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो यहाँ तो आपको लॉस अलाउंस बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इसको ACM पर दिखाते हो। ACM में क्या दिखाते हो, आप बुक वैल्यू के हिसाब से दिखाते हो। अगर आप फेयर वैल्यू के हिसाब से दिखा रहे होते तो बात अलग थी, लेकिन अगर आप इसको बुक वैल्यू के हिसाब से दिखा रहे हो तो आपको लॉस अलाउंस बनाना ही पड़ेगा इसमें। तो इस केस में तो कोई चॉइस है नहीं, आपको यहाँ पर लॉस अलाउंस क्रिएट करना है जब भी आप ACM की बात करते हो। अभी ये समझ आएगा, अभी हम पहले आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात FVTOCI की। FVTOCI वाले केस में क्या आपको लॉस अलाउंस बनाना है? क्या बनाना चाहिए यहाँ पर? बट ऐसा क्यों है, ऊपर भी फेयर वैल्यू पे दिखाया था, नीचे भी फेयर वैल्यू है, ऊपर भी OCI है, यहाँ पर भी OCI है, ऊपर लॉस अलाउंस नहीं बना रहे, नीचे बना रहे हैं, ऐसा क्यों है? ये भी अभी समझेंगे, पहले अभी आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ है वो समझने के बाद ही आपको ये समझ आ सकती है। अब FVTPL की जब मैं बात करूँ, यहाँ पर भी FVTPL वाला केस था, यहाँ पर भी FVTPL वाला केस है, तो FVTPL के केस में तो आपको लॉस अलाउंस बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप जब इसको P&L पे दिखा रहे हो तो लॉस अलाउंस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आता है,
क्या कहता है, बेसिक गोल इज टू शो एफ ए एट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब हमारा जो गोल है वो फाइनेंशियल एसेट को रियलाइजेबल वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है कि मैं आज ही एसेट बेच दूं तो मुझे कितना पैसा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, वाइल कैलकुलेटिंग फेयर वैल्यू effects of non-realizable or are already considered, hence whatever is at fair value does not need any loss allowance। मतलब क्या है इसका, जब भी कोई चीज़ fair value पर होती है उसमें loss allowance बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आप fair value पर किसी चीज़ को दिखा देते हो तो already कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाता है। जैसे एफ बी टी ओ सी आई वाले केस में ओ सी आई रिजर्व में चला गया था, और एफ बी टी पी एल वाले केस में गेन ऑन रीमेजरमेंट में चला गया था। तो जब भी आप इसको फेयर वैल्यू पर दिखाते हो तो आपको लॉस अलाउंस बनाने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर लॉस अलाउंस बनाना पड़ता है तो जर्नल एंट्री क्या रहती है आपकी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू लॉस अलाउंस। इसमें एक चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है कि ये हर बार पी एंड एल ही होना चाहिए, और कुछ नहीं आ सकता यहाँ पर, ऑलवेज पी एंड एल ही होगा यहाँ पर। याद करो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को पी एंड एल में तो दिखा देते हैं, तो यहाँ पर पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू लॉस अलाउंस। अब आगे बढ़ते हैं। अब लॉस अलाउंस इज शोन एज डिडक्शन टू फाइनेंशियल एसेट इन बैलेंस शीट। अब क्या होता है, जो भी आपने लॉस अलाउंस दिखाया, जैसे आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिखाते थे वो डेटर्स में से कम हो जाते थे, तो यहाँ पर जो भी फाइनेंशियल एसेट है उसमें से लॉस अलाउंस का जो भी अमाउंट है वो माइनस करना पड़ेगा, तो नेट आपको बैलेंस शीट में बाहर दिखाना पड़ता है। ये भी अभी समझेंगे कैसे होता है। आगे चलते हैं। कह रहा है लॉस अलाउंस इन केस ऑफ रिसीवेबल एट एफ बी टी ओ सी आई इज क्रिएटेड एज फॉलोस। कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओसीआई रिजर्व, हमने ये तो बात करी थी, पी एंड एल अकाउंट तो आना ही है। अब यहाँ पर केस कौन सा, एफबीटी ओसीआई वाला केस है, स्पेशल केस है। वहाँ तो नॉर्मल बात कर रहे हैं कि पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू लॉस अलाउंस करते हैं अगर आप लॉस अलाउंस बनाते हैं, बट यहाँ क्या कह रहे हैं, पी एंड एल डेबिट टू ओसीआई रिजर्व दिखाना अगर एफबीटी ओसीआई वाला केस है, और वो भी वाले केस की बात कर रहे हैं। अब इन सब चीज़ों को समझते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या था इसमें, सबसे पहली चीज़ हमने देखी थी कि जनरल एंट्री होती है लॉस अलाउंस की, क्या एंट्री होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस अलाउंस। बट कौन से वाले केस में, हमने देखा था एक केस जिसमें लॉस अलाउंस बनाना जरूरी था, वो ये था, और ये वाला केस, ये दो ही केस था जिसमें लॉस अलाउंस बनाना है हमें। तो एक तो एसीएम वाला केस है, इसमें लॉस अलाउंस बनाओगे तो एंट्री क्या करोगे, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू लॉस अलाउंस। तो अब इसे समझने के लिए आप ये समझो कि पी एंड एल डेबिट टू लॉस अलाउंस है ना, तो लॉस अलाउंस की जगह आप ये समझो कि फाइनेंशियल एसेट लिखा हुआ है यहां पर, प्रॉफिट एंड क्या एंट्री बन गई यहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू फाइनेंशियल एसेट। तो कुछ देर के लिए आप इसको समझो कि ये वाली एंट्री है। तो अगर आपका किसी एसेट को फेयर वैल्यू पे लेके आना चाहते हो तो आप ये वाली एंट्री करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल एसेट। अगर एक सेकंड के लिए मैं इस वाले केस पे आ जाऊँ जो कि एफ बी टी ओ सी आई वाला केस था हमारा, यहाँ पर आपने फेयर वैल्यू पर दिखाया था और डिफरेंस कहाँ डाल दिया था, ओ सी आई रिजर्व में। बट अब मैं क्या कह रहा हूँ, आप ये समझो कि आपको जब लॉस अलाउंस बनाना है तो आपको क्या एंट्री करनी पड़ेगी, मतलब फेयर वैल्यू पे आप इसको दिखाओगे पहले। तो इसमें क्या हुआ, जब यहाँ पर एफ बी टी ओ सी आई था तो आपने ये लॉस लिखा था यहाँ पर, और ये जो लॉस था इसका चार्ज अपने आप ओ सी आई रिजर्व में चला गया था, और जाना कहाँ चाहिए था, या पी एंड एल में, हमने कहा था ना कोई भी लॉस अलाउंस होता है तो आपको पी एंड एल में ही डालना है, और ये चला कहाँ गया, ओ सी आई रिजर्व में। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए हमने एक एंट्री डाली लॉस अलाउंस बनाने के लिए, हमने कहा इसको पी एंड एल में डालो। क्या एंट्री थी, पी एंड एल डेबिट टू ओ सी आई रिजर्व। पहले आपने यहाँ पर ओ सी आई रिजर्व को डेबिट कर दिया था, अब जिसमें जितना भी लॉस अलाउंस का अमाउंट था वो डायरेक्टली पी एंड एल में चला जाएगा। जो हमारी बात थी कि जो लॉस अलाउंस है वो पी एंड एल में जाना चाहिए, वो ठीक हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सारा ही पैसा आपने ओ सी आई रिजर्व में डाल दिया, इस अमाउंट में से कुछ अमाउंट जो है वो पी एंड एल का भी है जो पी एंड एल में जाना चाहिए, मतलब जो लॉस अलाउंस का अमाउंट है। तो इस अमाउंट में से अगर आपको वो लॉस अलाउंस का अमाउंट हटाना है तो आप क्या एंट्री करोगे, पी एंड एल डेबिट टू ओ सी आई रिजर्व। तो ये वाली एंट्री करने से इस ओ सी आई रिजर्व में से जो अमाउंट है आपका, हो सकता है पूरा ही हो सकता है कुछ पार्शियल हो, तो जो भी अमाउंट है उसे पी एंड एल में डालने के लिए आपको क्या एंट्री करनी पड़ेगी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू ओ सी आई रिजर्व। इससे क्या होगा कि जो आपका ओ सी आई रिजर्व का यहाँ पर आपने अमाउंट दिखाया है उसमें से कुछ अमाउंट आपका कहाँ चला जाएगा, पी एंड एल अकाउंट में। अब इसमें क्या बात आती है कि हमने ये वाला जो केस देखा था, यहाँ पर आपका फाइनेंशियल एसेट डिक्रीज होगा क्या लॉस अलाउंस बनाने से, बिल्कुल डिक्रीज होगा, क्योंकि आप इसको फेयर वैल्यू पे लेके आते हो तो जो भी फेयर वैल्यू है उस हिसाब से आपकी फाइनेंशियल एसेट जो है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो जो भी वैल्यू जितनी कम हुई वो कहाँ चली गई थी, ओसीआई रिजर्व में, मतलब सारा का सारा चार्ज आपने कहाँ डाल दिया था, ओसीआई रिजर्व में। बट इसमें से कुछ कहाँ जाना चाहिए था, पी एंड एल अकाउंट में। तो इस केस में आपने अकाउंटिंग देखी थी अभी रिसीवेबल के सेकंड केस में कि एफबीटी ओसीआई में जब आप अकाउंटिंग करते हो तो याद है उसमें देखा था कि रीसाइकिलिंग अलाउड है, रीसाइकिलिंग यहाँ पर हो सकता है। तो रीसाइकिलिंग होने के बाद ये पी एंड एल में ही चला जाएगा ना, मतलब इस केस में आप पी एंड एल तक पहुँच सकते हो। कैसे पहुँच सकते हो, थ्रू रीसाइकिलिंग, इसलिए यहाँ पर जो है आपका लॉस अलाउंस क्रिएट कर सकते हो। वैसे एफबीटी ओसीआई पर वाला केस है, एफबीटी ओसीआई वाला केस कब होता है, जब आप सोचते हो कि यार आप बेच भी सकते हो और आप रियलाइज भी कर सकते हो। तो इस केस में आप फेयर वैल्यू पर तो दिखाते हो, इसे पी एंड एल में नहीं लेके जा सकते। बट यहाँ वाले केस में अगर मैं रिसीवेबल्स की बात करूँ तो एफ बी टी ओ सी आई वाले केस में रिसाइकिलिंग आपको अलाउड होती है।
बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पर रिसाइकिलिंग अलाउड है, इसलिए यहाँ पर लॉस अलाउंस आपको बनाना है। बट एक केस और देखा था हमने, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, जहाँ पे हम देखा था कि अगर ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए ले रखी हो तो आप इसको OCI पर दिखा सकते हो, FBT OCI पर, बट यहाँ पर आप लॉस अलाउंस बना ही नहीं सकते। अभी हमने देखा ही था कि अगर आपने एक बार FBT OCI चुन लिया तो आप इसको P&L में लेके ही नहीं जा सकते। तो क्या होगा, एक तो आप यहाँ पर लॉस अलाउंस नहीं बना सकते, और दूसरा हमने देखा था कि रिसाइकिलिंग भी अलाउड नहीं है। तो अगर रिसाइकिलिंग अलाउड नहीं है तो P&L में तो ये वैसे भी नहीं जाएगा, तो ये कहाँ OCI में जाएगा, OCI दैट आइटम्स दैट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, और ये सोकी की आइटम में ये एडजस्ट हो जाएगा। तो बात यह आती है कि अगर कैश और बैंक हो तो आपको अलाउंस नहीं बनाना, डेरिवेटिव हो तो आपको अलाउंस बनाने की जरूरत है नहीं। और तीसरी चीज़ जो थी इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, इसके मैं बाद में आऊँगा, पहले रिसीवेबल की बात करते हैं। रिसीवेबल में ACM पर दिखाते हो बुक वैल्यू पर तो आपको लॉस अलाउंस बनाना जरूरी है, FBT OCI पर दिखाते हो तो भी लॉस अलाउंस बनाओगे क्योंकि इसमें आप रिसाइकिल करना अलाउड है, और रिसाइकिल करके वो चीज़ P&L में आ सकती है। और FBT PL पे तो P&L पे तो है, इस पे लॉस अलाउंस नहीं बनाओगे। और ऊपर वाला जो केस थे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स वाले, पहली चीज़ FBT PL पे यहाँ पर जरूरत ही नहीं बनाने की, हम क्या बोलते हैं ऑलवेज फेयर वैल्यू पे आपने दिखाया है तो लॉस अलाउंस बनाने की जरूरत ही नहीं। हमने यहाँ पर थ्योरी में भी देखा कि अगर आपने फेयर वैल्यू पर दिखा रखा है तो लॉस अलाउंस बनाने की जरूरत नहीं है, तो यहीं पर वो वाली बात सेम की गई है। और दूसरी यहाँ पर FBT ये स्पेशल केस था कि यहाँ पर FBT OCI है, बट यहाँ पर हमने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रीजंस की वजह से इसको ले रखा है, यहाँ पर लॉस अलाउंस आप नहीं बना सकते। हालांकि यहाँ पर फाइनेंशियल एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है, यहाँ पर भी फाइनेंशियल एसेट की डिक्रीज होती है, यहाँ पर OCI का चार्ज है, यहाँ पर भी OCI पे ही जाता है चार्ज, अकाउंटिंग सेम है, बट आखिरी में जाकर रिसाइकिलिंग की बात आती है, तो इसको आप रिसाइकिल नहीं कर सकते, इसको आप रिसाइकिल कर सकते हो। तो ये रिसाइकिल तो अलाउड ही नहीं है, इसमें P&L में डालो कैसे, P&L की एंट्री नहीं डाल सकते आप, इसमें लेके ही नहीं जा सकते ना इसको P&L में, तो क्या कहता है कि इसको रिसाइकल भी नहीं कर सकते आप, और ये OCI में ही सोकी के अंदर जाके एडजस्ट हो जाएगा किसी और आइटम के साथ। लास्ट चीज़ क्या थी, इसके लिए अगर आपको अगर लॉस अलाउंस बनाना है तो क्या एंट्री करोगे आप, P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस अलाउंस। और अगर ये वाली एंट्री आपकी FBT OCI वाली, इस केस में आपने OCI में दिखा रखा वाला अमाउंट तो OCI से निकाल के आपको P&L में डालना है, तो क्या करोगे, P&L डेबिट टू OCI रिजर्व। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे काफ़ी अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। तो क्या है वो एग्जांपल, ए लिमिटेड परचेज इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड ₹4,1000 एंड बॉन्ड्स ऑफ वाई लिमिटेड ₹4,1500। बॉन्ड्स ऑफ वाई लिमिटेड वर क्लासिफाइड एट FBT OCI, इंटरेस्ट रेट अफेक्टिव इज 10%। ए लिमिटेड रिसीव्ड कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज ₹100 ऑन बॉन्ड ऑफ वाई लिमिटेड। फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑन 31/3/2020 वाज 700 और बॉन्ड की क्या फेयर वैल्यू है 900। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर फॉर बोथ फाइनेंशियल एसेट और एज्यूम लॉस अलाउंस फॉर बॉन्ड्स इज ₹60। तो यहाँ पर हमसे लेजर मांगे गए, सबसे पहले बात करते हैं हम इक्विटी शेयर के बारे में। तो एक तो ये वाला पॉइंट है इक्विटी शेयर से रिलेटेड कि इक्विटी शेयर परचेज करें एक्स लिमिटेड के ₹1,000 में। उसके बाद ये तो बॉन्ड हो गया, ये भी बॉन्ड हो गया, फिर इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा है, यहाँ पर भी कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो की बात कर रहा है बॉन्ड पे। उसके बाद ये फेयर वैल्यू आती है इक्विटी शेयर पे, और कोई बात है नहीं यहाँ पर रिलेटेड टू इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर की बात कर रहा है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर मतलब ये वाला केस है। इसमें आप FBTPL पे भी दिखा सकते थे, FBT OCI पर भी दिखा सकते थे, बट अभी हम बात करते हैं पहले कि FBTPL वाला केस है तो इसकी अकाउंटिंग कैसे होती थी। इसको करवाने से पहले मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि रिसीवेबल में FBTPL वाला केस आता था तो कैसे होती थी, क्योंकि अकाउंटिंग तो सेम ही है ना, केस तो FBTPL का ही है। तो ऐसा कुछ करते थे आप, यहाँ पर बैंक में पे कर देते थे, टू बैलेंस शीट जो फेयर वैल्यू पे दिखाते थे, कैश फ्लो जो थे वो आपको मिलते रहते थे, और जो भी आपका डिफरेंस होता था वो आपका होता था गेन ऑन रीमेजरमेंट में। इनडायरेक्टली कहूँ तो आप P&L पे दिखाते थे। तो दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर अगर आप FBTPL की बात करूँ मैं, तो आपने यहाँ पर ₹1,000 दिए, इन शेयर्स खरीदे, और बाय बैलेंस सीडी आपका जो फेयर वैल्यू था 31/3 को वो ₹700 था, तो आपने इसको फेयर वैल्यू पे दिखाया ₹700। अब जो डिफरेंस है वो है ₹300 का, और इस 300 को आप कहाँ पर दिखाओगे, P&L में दिखाओगे। यहाँ पर बात आती थी कि जब आप FBTPL पर दिखाते हो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर को, लॉस अलाउंस बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, वो रीज़न ये है, पहली चीज़ ये ₹300 जो है आपके P&L में चले जाते हैं। अब आप यहाँ पर लॉस ऑन रीमेजरमेंट लिख दो, और वो लॉस जो है बाद में जाके P&L में ही तो हिट करेगा। अब यहाँ पर आपको क्यों नहीं दिखाना लॉस अलाउंस, क्योंकि आपने P&L में दिखाया है इसको। अब ये लॉस अलाउंस के नाम से P&L में नहीं गया है, लॉस अलाउंस के नाम से ये P&L में नहीं गया है, बट गया तो ये P&L में ही है ना। हमारा पर्पस क्या था कि हर चीज़ को फेयर वैल्यू पे दिखाना है, और जो भी डिफरेंस है वो P&L में हिट करना चाहिए। अब इस केस में ये कहते हैं लॉस अलाउंस बनाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी इसको फेयर वैल्यू पे दिखा रहे हो, और P&L में लॉस अलाउंस के नाम से हिट नहीं हो रहा, बट किसी और नाम से हिट तो हो रहा है। अब इसमें मांगा तो नहीं है FBT OCI वाला केस, बट अब एक बार मान लो कि FBT OCI पर अगर इसको दिखाना पड़ जाए तो क्या इसकी अकाउंटिंग करेंगे हम।
तो हमने यहाँ पर दो केस देखे थे, एक FVTPL वाला और एक FVTOCI वाला। अब FVTOCI पर दिखाओगे तो क्या होता है, वहाँ पर इसने क्या बोला था कि लॉस अलाउंस बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर केस क्या है कि आप FVTOCI पर दिखाओगे और साथ साथ ये बता रहे हैं कि लॉस अलाउंस जो आपका है ना वो है 90 रुपये। अब लॉस अलाउंस निकाला कैसे वो भी सीखेंगे हम बाद में, बट मान लो कि लॉस अलाउंस जो है वो आपका 90 रुपये। अब जब आपने वाले इक्विटी शेयर खरीदे होंगे तो कैंट्री करी होगी टू बैंक करके 1000 किया होगा, और साथ ही साथ जब बैलेंस शीट की मैं बात करूं तो इसको तो आप फेयर वैल्यू पे दिखाओगे, फेयर वैल्यू थ्रू OCI है तो मतलब फेयर वैल्यू पे आना चाहिए। FVTOCI की अकाउंटिंग तो याद ही है ना, अकाउंटिंग तो सेम ही रहेगी जैसे अभी हमने देखी थी, फेयर वैल्यू थ्रू OCI की अकाउंटिंग तो सेम ही है, बट वो रिसाइकलिंग में आगे जाके फर्क पड़ जाता है कि रिसाइकल होगा या नहीं होगा, अकाउंटिंग तो जैसे सीखी है वैसी रहेगी। अब क्या कहते हैं इसको फेयर वैल्यू पे दिखाओगे, 700 रुपये यहाँ पर आपने दिखा दिए क्योंकि आज इसकी फेयर वैल्यू 700 रुपये है, तो 700 रुपये दिखा दिया और बाकी का बैलेंस आपने कहाँ डाल दिया, 300 रुपये आपने डाल दिया OCI रिजर्व में। तो अगर मैं इस केस की बात करता, यहाँ पर ये जो FVTOCI वाला केस है इसकी भी इसी की हम अकाउंटिंग यहाँ पर सीख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर में हमने क्या देखा था कि ये रिसाइकल बाद में जाके नहीं हो सकता, मतलब ये P&L में नहीं जा सकता, रिसाइकलिंग अलाउड नहीं है यहाँ पर, मतलब अगर ये रिसाइकल नहीं हो सकता तो ये OCI रिजर्व जो है ये जो सोकी है सोकी में ही ये एडजस्ट हो जाएगा, जैसे रिटेन अर्निंग के साथ ये एडजस्ट हो जाता है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब एक चीज़ है इसमें, जब आपने इक्विटी खरीदी थी तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए खरीदी थी, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए, तो आपने यहाँ पर इसको P&L में इसको नहीं लेके जा सकते क्योंकि जब आपने खरीदा था तो आपने कहा था कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पर्पस है, दैट मींस आपकी इंटेंशन प्रॉफिट कमाने की है ही नहीं, तो प्रॉफिट कमाने की नहीं है तो लॉस अलाउंस कहाँ से आ जाएगा, लॉस हो ही नहीं सकता आपका फिर। वैसे देखा जाए तो ये 300 में ही 90 रुपये इंक्लूडेड है, हमने अभी बात करी थी ना OCI रिजर्व में ही आपके जो लॉस अलाउंस इंक्लूड होता है उसमें से आप P&L डेबिट टू OCI रिजर्व करके अमाउंट हटा के P&L में लेके आते हो, बट यहाँ तो P&L में ला ही नहीं सकते क्योंकि रिसाइकलिंग अलाउड ही नहीं है यहाँ पर, तो ये वाला अमाउंट जो है इसी में ही इंक्लूडेड है, बस ये OCI रिजर्व में ही रहेगा, सोकी में एडजस्ट हो सकता है लेकिन ये P&L में नहीं जा सकता। अब दूसरी बात आती है बॉन्ड की, उसका देख लेते हैं बॉन्ड का क्या सोल्यूशन है। इन्वेस्टमेंट करी थी बॉन्ड में हमने 1500 रुपये की, FVTOCI वाला केस मांग रहा है मतलब ये दूसरे वाला, और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ता था हमें जो कि इसने ही निकाल के दे रखा है, और कह रहा है कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो जो आपके 100 रुपये ये भी बता दिया इसने, और फेयर वैल्यू दे रखी है 900 रुपये, ठीक है जी, और लॉस अलाउंस भी बता रहा है बॉन्ड पे 60 रुपये रहेगा आपका। अब इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड अकाउंट मैं बनाता हूँ FVTOCI की अकाउंटिंग तो हमें पता ही है, अकाउंटिंग तो सेम ही रहेगी। अब आपने सबसे पहले जब बॉन्ड खरीदा तो एंट्री करी होगी टू बैंक 1500 रुपये, और आपकी फाइनेंशियल इनकम कितनी रहेगी, यहां पर इसने इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रखा है जो कि आपको IRR निकालना पड़ता है, बट इसने निकाल के दे रखा है, तो आप यहाँ पर फाइनेंशियल इनकम बुक कर दोगे 1500 रुपये 10% के हिसाब से 150 रुपये, और साथ ही साथ बाय बैंक करके आपको कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो तो मिलते ही रहेंगे जैसे हमने देखा था वो FVTOCI वाला केस, ये तो पैसे मिलने ही है, और लास्ट में जाके आप इसको फेयर वैल्यू पे दिखाओगे, फेयर वैल्यू पे दिखाने की वजह से आपका ये जो अमाउंट है सारा का सारा कहाँ चला जाता था, OCI में चला जाता था। यहाँ पर आपने इसको फेयर वैल्यू पे तो दिखा दिया बट आपने सारा का सारा घाटा कहाँ पर डाल दिया, OCI रिजर्व में। अब इसमें से जो 60 रुपये थे, 60 रुपये कहाँ जाने चाहिए थे, 60 रुपये जाने चाहिए थे लॉस अलाउंस में, तो इसमें से आपको अब 60 रुपये जो है वो लॉस अलाउंस में डालने हैं, तो कितने क्या लिखोगे एंट्री, P&L डेबिट टू लॉस अलाउंस, तो P&L डेबिट। इसके बाद हम एक चीज थी OCI रिजर्व बनाते थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं OCI रिजर्व में कैसी एडजस्टमेंट रही होगी, आपने OCI रिजर्व डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड किया तो यहाँ पर आपका ऐसी एंट्री आएगी, और बाय P&L लिखोगे क्योंकि एक एंट्री करी आपने अकाउंट डेबिट टू OCI रिजर्व, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपने लॉस अलाउंस था वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया इस एंट्री के थ्रू, तो आपने एंट्री करी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू OCI रिजर्व, तो आपकी एंट्री का इफेक्ट यहां पर आएगा और आपका OCI रिजर्व घट के 590 हो जाएगा। बस इसलिए कि 650 में आपका 60 रुपये लॉस अलाउंस था जो कि गलती से OCI रिजर्व में चला गया था, तो आपने OCI रिजर्व से निकाल के उसको P&L में लेके आए। अब आपको ये समझ आ गया होगा, अब इसमें दो छोटी छोटी बातें और करनी है, हमने वो भी कर लेते हैं। आपने लॉस अलाउंस जो बनाया था वो दो ही केस में बनाया था, वो भी रिसीवेबल्स के दो केस में, एक तो ACM वाला था और एक था FVTOCI वाला केस। बात यह आती है कि आप लॉस अलाउंस का अमाउंट निकालोगे कैसे, अब उससे रिलेटेड ये थ्योरी है, इस थ्योरी को समझने के लिए हम यहाँ पर आते हैं, इससे समझते हैं फिर बाद में थ्योरी पढ़ लेंगे, अभी हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं क्या है इस कॉन्सेप्ट में, कैसे हम लॉस अलाउंस को निकालते हैं। तो मान लेते हैं आपके एक फाइनेंशियल एसेट है जिसपे कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज मिल रहे हैं आपको 50,000 और लास्ट में 1,50,000 मिल रहे हैं, और इस पे जो IRR है वो है 11% ऑलरेडी निकाल के दे रखे हैं, तो इंडिया सेज हो सकता है आपको ये आगे चल के पैसा ना मिले, मतलब आगे चल के आपका ये जो पैसा है कैश फ्लोज है ये डूब सकता है, तो क्या होता है कि आपको फॉरवर्ड लुकिंग डाटा देखना होगा और उसके हिसाब से अनुमान लगाना होगा कि कितना पैसा हो सकता है मुझे ना मिले। अब मैनेजमेंट को पूछेंगे अब कि भाई मैनेजमेंट बताओ तुम्हें क्या लगता है कि कौन कितने कितने पैसे नहीं मिलने वाले हैं, तो मैनेजमेंट बताएगी कि हो सकता है कि ये 50,000 में से 20,000 और लास्ट में चल के 1,20,000 रुपये ना मिले। अब ऐसा क्यों हो सकता है, हो सकता है कि
इन 20,000 पे सिक्योरिटी ना हो और बाकी पे सिक्योरिटी हो, तो इस रीज़न की वजह से कह रहे हो कि हाँ भाई ये जो 20,000 रुपये हैं हो सकता है आगे चल के मुझे ना मिले। तो ये जो 20,000 है जो कि आपका डूब सकता है, इसको ओरिजिनल रेट जो कि आपका IRR था आपने निकाला था, ओरिजिनल रेट के हिसाब से आपको डिस्काउंट करना है। ओरिजिनल रेट के हिसाब से जब आप डिस्काउंट करोगे तो आपका अमाउंट आएगा, जैसे इसमें आता है 133,263, ये इसको आप कहते हो लॉस अलाउंस, या यूँ कहें कि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। अब एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस वाली टर्म जो है इसका मतलब क्या है कि हमारे कितने रुपये डूब सकते हैं, तो लॉस अलाउंस कह लो या एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस कह लो। इसमें ऐसा है कि लॉस अलाउंस जो है वही एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है, मतलब लॉस अलाउंस को ही एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको फॉरवर्ड लुकिंग डाटा देखना होगा, फॉरवर्ड पास्ट की हिस्ट्री वगैरह देखने को नहीं कह रहे, आगे आगे का फॉरवर्ड लुकिंग डाटा देखने को कह रहे हैं। अब इसमें क्या करना है आपको, आपको आपके पास जो फाइनेंशियल एसेट है, आप इसमें चार सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन है कि जब आपने परचेज करा तभी ये एसेट जो थी वो क्रेडिट इम्पेयर्ड थी। क्रेडिट इम्पेयर्ड का क्या मतलब होता है, एक इंपॉर्टेंट टर्म है, एक तो ECL इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके बारे में थ्योरी में लिखवा रखे अच्छे से, और एक क्रेडिट इम्पेयर्ड इंपॉर्टेंट टर्म है। क्रेडिट इम्पेयर्ड का सिंपल सा मतलब है कि जब खरीदा था तभी हालात खराब थे, जब खरीदा था तभी सामने वाली पार्टी के हालात खराब लग रहे थे। अब परचेज करते टाइम ही अगर एक क्रेडिट इम्पेयर था मतलब तभी इसके हालात खराब थे, तो आप इसको पूरे का पूरा जितना भी आपका ECL है जो आपको लगता है कि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस मेरा हो सकता है, पूरा का पूरा आप ECL में दिखा दोगे जितना भी अमाउंट यहाँ पर आपने निकाला है। दूसरी चीज़, अगर ऐसा है कि आपका बाद में चल के क्रेडिट इम्पेयर हो गया, मतलब पहले तो ठीक थे हालात, बाद में चल के इसके हालात ख़राब हो गए, तो तब भी आप इसको पूरा का पूरा अमाउंट जो है, जो भी आपने एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का निकाला है बचे हुए अमाउंट पे, तो उसको भी आप यहाँ पर पूरा दिखा दोगे 100%। तीसरी चीज़ आती है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट। शॉर्ट टर्म क्या होता है, जो कि 12 महीने के अंदर अंदर रिकवरेबल हो जाता है। तो अगर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट है तो भी आप इसको किस पे दिखाओगे, 100% ECL में डाल दोगे। तो ये तीनों केस तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, और इसको जो आप 100% डालते हो इसे आप कहते हो लाइफ टाइम ECL। यहाँ पर थ्योरी में लिखवा रखा है, अभी आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी इजीली समझ आ जाएगा, बट अभी हम इसी पे ही बात करते हैं कि इसको क्या कहते हैं हम, लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। अब इसमें एक चौथा केस भी आता है। अब चौथे केस को समझने के लिए ऐसा समझते हैं कि एक बैंक ने किसी किसान को लोन दिया, और जो लोन दिया वो अनसिक्योर्ड लोन दिया, ना ही उस पर कोई सिक्योरिटी थी, ना ही कोई ज़मीन के कागज़ थे, कुछ ऐसी चीज़ नहीं रखवाई थी। तो बैंक ने क्या सोचा होगा उस टाइम, आप समझ सकते हैं कि मेरे को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट वो किसान जो है वो पैसा देता गया, बाद में चल के भी उसने कोई डिफॉल्ट नहीं करा, बाद में चल के भी वो पैसा देता गया, तो वो इस कंडीशन में भी नहीं आ रहा, इस कंडीशन में भी नहीं आ रहा। और यहाँ पर मैंने एक बात करी थी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट की, जो कि रिकवरेबल होते हैं विद इन 12 मंथ, तो ना ही ये शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म लोन लिया इसने। अब बात करते हैं अदर केस के बारे में। अदर केस में क्या आता है, जो कि नेक्स्ट 12 महीने में आपको पैसे मिलने हैं, तो आपको डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी चेक करनी पड़ती है। जो डिफॉल्ट अगले 12 महीने में एक्सपेक्टेड है उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी पड़ती है, और जो प्रोबेबिलिटी आपको लगती है उतना ही परसेंटेज आपको इसका लेना पड़ता है। जैसे 133,263 आपको लगता है 5% चांस है कि ये बंदा मेरे पैसे नहीं देगा, तो इसका 5% आपको दिखाना होता है। इसे कहते हैं हम 12 मंथ ECL। ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। यहाँ तो वो लोन ही 12 महीने का था, बट यहाँ कह रहे हैं हम नेक्स्ट 12 महीने में क्या डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी है। इफ वी थिंक इट इज 5%, तो आपको 5% लगाना है, 10% भी हो सकता है, आपके ऊपर है आप क्या सोचते हो कि प्रोबेबिलिटी कितनी है उसकी। अब मान लेते हैं 5% है, तो आप इसको 5% के हिसाब से ECL में दिखाएंगे। तो ये था आपका अदर केस। अब ये कॉन्सेप्ट तो इतना ही था। इसमें एक दो टर्म आती है, क्रेडिट इम्पेयरमेंट और एक होती है ECL। पहले क्रेडिट इम्पेयरमेंट देख लेते हैं। एविडेंस ऑफ इंक्रीज रिस्क इज अवेलेबल। क्रेडिट इम्पेयर हमने देखा ना, क्रेडिट इम्पेयर्ड है ये, स्टार्टिंग से ही क्रेडिट इम्पेयर्ड है, तो कैसे करते हैं हम यहाँ पर, जब खरीदा था तभी हालात ख़राब थे, तो हमने यहाँ पर उसका मतलब समझ रहे हैं। तो क्या है, एविडेंस ऑफ इंक्रीज रिस्क इज अवेलेबल। क्या है एविडेंस, मतलब होता है सबूत। क्या क्या, लो क्रेडिट रेटिंग है इसकी, IBC प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट पार्टी, IBC प्रोसीडिंग चल रही है अगेंस्ट दिस पार्टी। IBC क्या होता है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट। और तीसरी चीज, इसने आपके पैसे अगर 30 दिन नहीं दिए तो 31वें दिन आप इसको क्रेडिट इम्पेयर्ड घोषित कर देना। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, जस्ट फॉर सेविंग टाइम मैं आपको थ्योरी में बता देता हूँ कि आप 30 दिन की बात है, इंडियस लिखी हुई है 30 दिन, 30 दिन की जगह कुछ और भी ले सकते हैं, बट आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि 30 दिन की जगह आप और कोई दिन क्यों ले रहे हो, 60 दिन या 90 दिन भी ले सकते हो, बट इंडियस में लिखा हुआ है कि 30 दिन लेने हैं आपको, 31वें दिन ये हो जाएगा क्रेडिट इम्पेयर्ड अगर 30 दिन तक इसने पैसे नहीं दिए आपको। इसीलिए तो ये बैंक पर नहीं लगता, अगर ये बैंक पर लग जाए तो सोच सकते हो आपके कितना
बैंक को घाटा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको एक और चीज़ है, ऑलवेज कंसीडर फॉरवर्ड लुकिंग डाटा विच इज रीजनेबल एंड जस्टिफाइड। ये इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, हम हिस्टोरिकली कुछ नहीं देखते, हम आगे देखते हैं कि यार आगे चल के क्या लगता है कि हालत खराब लग रहे हैं क्लाइंट के, क्या कैसा लग रहा है। और दूसरी जाती थी ECR, ये तो सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, कैश फ्लोज थे उसको आपने 11% के हिसाब से, जैसे अभी यहाँ पर डिस्काउंट करा था, जो भी आपका ओरिजिनल रेट होता है उस हिसाब से आप डिस्काउंट कर देते हो, एक तो चीज़ थी ये। और दूसरी IRR की हम बात कर चुके हैं कि IRR के हिसाब से आपको इसको डिस्काउंट करना होता है। इस चीज़ को समझने के लिए एक एग्जांपल है, एक काम करते हैं इस एग्जांपल को इसके पार्ट बी में ले लेते हैं, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं पार्ट बी में।